नेवर मिस अ प्रेडिक्शन वीडियोस। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें एंड स्टे अपडेटेड फॉर लेटेस्ट वीडियोस। या देवी सर्वभूतेषु सिद्धिदात्रे नमो नमः नमस्तस्ये 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 नमो नमः। आज हम नवरात्रे की इस यात्रा के आखिरी चरण में पहुंच गए हैं। आप सबको नवदुर्गा नवरात्रों की बहुत बहुत मुबारक, बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत शुभकामना। कहते हैं सबसे बड़ा पहलवान वक्त होता है, समय होता है। समय कब परिवर्तित होता है, कब नहीं होता है, ये जानने के लिए आपको ज्योतिष का ज्ञान, नवग्रहों का, 27 नक्षत्रों का और 12 राशियों का ज्ञान होना चाहिए। और ये ज्ञान को देने वाली एक माता है जिसका आज हम पूजन करते हैं, उनका नाम है सिद्धिदात्री। जब भोलेनाथ ने भृगु महर्षि भृगु को ये सिद्धियां, ये सारी एनर्जीज, ये सारी ताकतें प्रदान की, तो उन्होंने सबसे पहले सिद्ध किसको दिया किया? सिद्धिदात्री। तो ये वो देवी हैं जो अलौकिक शक्तियां प्रदान करती हैं। सिद्धि का मतलब होता है अलौकिक और दात्री का मतलब होता है जो देने वाली है। माई इतना धन मुहे दीजिए, जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना हूं, मेरा साधु ना भूखा। पंडित जी हमेशा कहते हैं। तो प्रभु भी जो है वो देवी के ऊपर निर्भर है। संसार की रचना करने से पहले कहते हैं सिद्धिदात्री ही वो देवी है जिसने त्रिदेवों को जन्म दिया, ब्रह्मा विष्णु महेश। संसार की रचना करने से पहले देवी की रचना हुई और देवी की रचना ने तीन देवताओं को जन्म दिया जिनका नाम ब्रह्मा विष्णु महेश है। और उसके बाद संसार की रचना हुई, ब्रह्मा विष्णु महेश ने महासागर पे के ऊपर बैठकर हजारों साल तपस्या की, उसके बाद जाकर संसार की शुरुआत हुई। और इसी के साथ माता रानी जो है कमलासनी है, कमल के ऊपर विराजमान है। वैसे एक जगह पर शेर की सवारी भी कर रही है, चार हाथों वाली, चार भुजाओं वाली माता रानी, कमल, गदा, शंख और चक्र और गुर्ज, हनुमान जी वाला गुर्ज भी पकड़ा हुआ है। देवताओं का, महिषासुर का वध करने वाली ये नौ देवियों में ये भी एक देवी है। मगर ये देती है आपको, ये समझ लीजिए कि आठ सिद्धियों की प्राप्ति करनी है, आलस्य को त्यागना है। जो व्यक्ति को आलस आता है, जो पुरुष सुबह उठ नहीं पाता है, जो नेता बोल नहीं पाता है, या जो अपने कार्य में जाने से कतराता है, डिप्रेशन हो जाता है, उसको माँ सिद्धिदात्री की पूजा करनी चाहिए। आठ सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। देखिए हमने सात चक्रों की बात की थी, मूलधारा चक्र से लेके सहस्रारा चक्र तक हमने आपको जागृत करने के लिए हमारे कार्यक्रमों में आपको बताया। और जब सात चक्र जागृत हो जाते हैं तो उसके बाद क्या होता है, फिर आपको सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। फिर आप जो कहते हैं वो होता है, जो बोलते हैं वो लोग सुनते हैं और आपकी बात। और आलस्य को त्यागने के लिए, चाहे वो व्यापारी है, चाहे वो गृहस्थी है, चाहे वो
किसी भी तरह का कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में चर विचर कर रहा है उसको आलस से मुक्ति मिलेगी तो सिद्धिदात्री दिलाएगी। आपको याद होगा भगवान शिव ने कठोर तपस्या, यानी किसकी तपस्या की? मां की तपस्या की, उनकी धर्मपत्नी, उनकी धर्मपत्नी। इसलिए ही तो मनु स्मृति में लिखा है नार्यस्तु यत्र पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। कठोर तपस्या करने के बाद भोलेनाथ, आधे भोलेनाथ हो गए और आधे देवी हो गए, इसीलिए अर्धनारीश्वर का रूप धारण किया। क्योंकि जब आप किसी में समा जाते हैं, जब आप किसी को प्रेम करते हैं, जब आप किसी की भक्ति करते हैं, आप किसी को सम्मान देते हैं, आपके अंदर वो स्वरूप अपने आप आने लग जाता है। भीमा शंकर में भोलेनाथ का ये स्वरूप देखकर आनंदित हो जाता हूं मैं। इसलिए मां को नौ प्रकार के फूल और नौ प्रकार के फलों से आप उनको भोग लगाइए। मैं यही प्रार्थना करता हूं कि हमारा देश, देखिए भारत जो है सतयुग से लेकर अब तक, सतयुग से लेकर अब तक महागुरु रहा है। कुछ समय ऐसा आया जब मुगलों ने राज किया, 250-300 साल अंग्रेजों ने राज किया, उसके बाद भी सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। उस वो क्या है? वो ये नौ देवियों का प्रसाद है, भोलेनाथ की कृपा है। हजारों आक्रमण आए, आक्रमणकारी आए, सैकड़ों देश यहां इस देश से टूट कर अलग हो गए, मगर जान लीजिए आज नवरात्रे के दिन नौ देवियों की के सामने शपथ लेकर बोलता हूं मैं कि मित्रों, समय दूर नहीं जब पूरा देश, पूरा विश्व सनातन को पूजेगा, और वो दिन दूर नहीं, आज ही हजारों लोग रोज हिंदुइज्म को अडॉप्ट कर रहे हैं। आज का समय ऐसा है कि आप न्यूयॉर्क की गलियों में जब घूमते हैं तो आपको गर्व होता है कि जब आपको हरे कृष्णा हरे रामा स्वामी प्रभुपाद के जो विदेशी भक्त हैं वो गाते हुए नाचते हुए नजर आते हैं, चाहे वो बाबा रामदेव हो जिन्होंने योग को घर घर पहुंचा दिया, चाहे वो जग्गी वासुदेव हो जिन्होंने अपनी वाणी से, अपने मार्गदर्शन से पूरे संसार को चौकन्ना कर दिया, चाहे वो रजनीश थे। तो हमारे संतों ने क्या नहीं किया, श्री श्री रविशंकर हैं, ये सब सिद्धिदात्री की कृपा से हुआ है। इन्होंने वो सिद्धियां अपने हाथ में ली, सातों चक्रों को जागरूक किया, तब जाकर ये संत बने। ये और सुदृढ़ हों और इन संतों को पहचानो, ना कि वो संत जो जेलों में बैठे हुए हैं। तो मां सजा भी देती है, पनिश भी करती है। नाम नहीं लूंगा मैं इन संतों के जो संत बनकर आडंबर करके लोगों के बलात्कार करते थे, लोगों की बच्चियों के ऊपर बुरी नजर डालते थे, इनसे बचो। सिंहन के लेड़े नहीं हंसन की नहीं पात, हिरन की बोरी नहीं साधना चले जमात। तो साधु तो अपने आप में मस्त रहता है, करोड़ों लोग बैठे हों तब भी वो अपनी धुनकी में बैठा रहता है। तो आइए उस साधु को ढूंढने के लिए सिद्धिदात्री की पूजा करें। हरिओम, जय कारा शेरा वाली दा, बोल साचे दरबार की जय।